गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी जो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन. हम रेगुलरली IVF, ICSI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर, फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग और पेट के भीतर के बेबी यानी गर्भस्थ शिशु की देखभाल और उसके जेनेटिक रोगों को रोकने की बहुत सारे परीक्षण करते हैं. ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है जो हम YouTube कमेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस को लेके बनाते हैं. हम देवेन जी से अनुरोध करते हैं, प्लीज गो अहेड विद द कमेंट सेक्शन क्वेश्चंस. सर, क्या डाउन सिंड्रोम जेनेटिक होता है? यदि आप टेक्निकली बोलोगे तो जेनेटिक होता है, पर हेरिडिटरी नहीं होता. हेरिडिटरी यानी हस्बैंड वाइफ का बच्चा यदि हुआ, चाहे लड़का लड़की जो भी हो, यदि मान ली इसको डाउन सिंड्रोम हुआ, इस डाउन सिंड्रोम के बाद यदि ये दोनों मिलके फिर से प्रेगनेंसी क्रिएट करते हैं तो जरूरी नहीं कि ये फिर से डाउन सिंड्रोम हो. डेफिनेटली दूसरे की अपेक्षा इसमें डाउन सिंड्रोम होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है, कि इसका जांच करा लेना चाहिए एम्नियोसिंथेसिस के द्वारा. बट ऐसा नहीं होता कि इनमें कोई खराबी हो फिर इसके कारण डाउन सिंड्रोम हो. केवल एक कंडीशन में जिसमें हस्बैंड या वाइफ रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, मतलब इनका यदि काउंट करोगे तो 46 आना चाहिए पर इसकी जगह 45 आता है, पर ये नॉर्मल रहते हैं, मतलब दो क्रोमोसोम आपस में चिपके हुए हैं. ये जो चिपका हुआ पोर्शन है इस क्रोमोसोम को रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. यदि हस्बैंड और वाइफ कोई लेके बैठे हैं और ये प्रेगनेंसी क्रिएट करते हैं तब डाउन सिंड्रोम होने की चांस बच्चे में नॉर्मल जो डाउन सिंड्रोम पॉपुलेशन में दिखता है, अपने को समाज में दिखता है, उस फैमिली में थोड़ा ज़्यादा होगा. तब उसको आप बोल सकते हो कि ये बिकॉज ऑफ पेरेंट्स ये ट्रांसमिट हो रहा है. बट डाउन सिंड्रोम को हेरिडिटरी मानना ठीक नहीं है. जेनेटिक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम रहता है, तो उसमें बहुत सारे जीन आप ऐड कर देना, तो ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट है. आप उसको क्रोमोसोमल डिफेक्ट बोलना ज़्यादा अच्छा है. IVF में इतने सारे इंजेक्शंस लगते हैं, क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? IVF में इंजेक्शन लगने से जो एक्स्ट्रा अंडे बन रहे हैं, मतलब हम जो ओवरी को नॉर्मली जो अंडे छोटे छोटे हैं बॉडी में इंजेक्शन लगा के इनको हम बड़ा करते हैं ताकि हमको ज़्यादा अंडे मिले. अब बहुत ज़्यादा यदि बन जाते हैं तो इसमें जो लिक्विड होता है इसके कारण, और HCG का इंजेक्शन जो भी हो, इसमें से कई बार पानी बाहर आता है, तो वो एक बार ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम बोलते हैं. इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है, अदरवाइज IVF के इंजेक्शंस का अभी तक कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिया है. IVF फेल होने का कारण क्या होता है? इसमें मैंने एक अलग वीडियो बनाया था कि IVF फेल होने का क्या रीज़न है. IVF फेल होने के तीन रीज़न है. एक होता है सीड, मतलब बीज, अब सीड में स्पर्म और एग. एक होता है सॉइल, मतलब हो गई जमीन, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम. और एक होता है डॉक्टर, उसका गायनेकोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजी और उसकी लैब, मतलब आप पूरा डॉक्टर के नाम से भी बोल सकते हैं. बात यह आती है कि इन तीनों चीज़ों में अधिकतर एग रिस्पॉन्सिबल होता है IVF फेल होने का. बहुत सारे कारणों में एंडोमेट्रियम फेल होने का कारण रहता है. अधिकतर इस लैब में डॉक्टर के द्वारा जो महिला के अंडे निकाले और हस्बैंड के स्पर्म से इसको मिलाए तो इससे एम्ब्रियो बन जाता है, मतलब भ्रूण बन जाता है, 5 दिन वाला ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है. अब जब इसको हम बिठाते हैं एंडोमेट्रियम में तो ये नहीं बैठा, तो ये लैब और डॉक्टर का काम यदि अच्छा नहीं होता तो ये नहीं बनता. इसका मतलब सब कुछ ठीक होने के बाद भी ये यहाँ नहीं बैठा. इसका मतलब या तो इस ब्लास्टोसिस्ट में कोई खराबी है जिसको जेनेटिक डिफेक्ट बोल सकते हैं, या फिर जो एंडोमेट्रियम है सॉइल, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा. ये प्रधान कारण होते हैं IVF फेल होने के. सबसे ज़्यादा कॉमन कारण एक पुअर एग्स का होना, अंडों का क्वालिटी अच्छा नहीं होना. एक बेबी नेचुरल प्रेगनेंसी से है, अब दूसरा नहीं हो रहा है, क्या कारण हो सकता है?
मोस्ट कॉमन कारण जो ये बच्चेदानी है और यहाँ पर जो ट्यूब है, यहाँ से अंडा निकल के इस ट्यूब में और स्पर्म आके मिलता है, भ्रूण यहाँ बनता है, ये एक बार बना और आके बैठा, बढ़ा, पनपा और बच्चा हुआ। यदि फिर से नहीं हो रहा तो ये चीज़ नहीं हो रही। ये कहाँ होती है? बच्चेदानी की नली में। तो अधिकतर ये प्रॉब्लम रहती है बच्चेदानी की नली में। यदि अंडाशय में अंडे अच्छे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही चाह के भी, तो ट्यूब सबसे बड़ा कारण होता है। प्रेगनेंसी में इचिंग का क्या कारण होता है? प्रेगनेंसी में इचिंग का जो एक कॉमनेस्ट रीजन, बाइल सॉल्ट्स का इकट्ठा हो जाना। अब उसमें यदि आप डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा सा लिवर फंक्शन में प्रॉब्लम होता है, और नहीं तो इचिंग के बहुत सारे रीजन होते हैं, पर ये मोस्ट कॉमन रीजन प्रेगनेंसी में जो इचिंग होती है वो बाइल सॉल्ट्स के इकट्ठा हो जाने के कारण होती है। वो जो लिवर से जो पित्त बनता है वो ठीक से निकल नहीं पाता इंटेस्टाइन के थ्रू, यदि वो कलेक्शन हो जाता है। कई बार पित्त की जो छोटी छोटी नलियाँ होती है लिवर के भीतर, उसमें सूजन आ जाती है, उसके कारण बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट इकट्ठे होने लगते हैं, तो एक पीलिया जैसा होता है और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोल सकते हैं, और उसके कारण ये इचिंग होती है। इसमें डॉक्टर को जरूर दिखा लेना चाहिए, और यदि लेट प्रेगनेंसी में ये इचिंग हो रही है तो बच्चे का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रीटर्म लेबर और बच्चे की डेथ भी हो सकती है यदि आप उसको ठीक से ट्रीट नहीं किए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको शेयर जरूर करिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।